Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine. Okay, well, student, it's your SST class, and today we will read class 7th, Geography, Chapter 3rd. And student, it's a first video of chapter 3rd. Alright. So let's start, students. Okay. आवर चेंजिंग आर्थ दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर थर्ड आवर चेंजिंग आर्थ सो स्टूडेंट्स आवर चेंजिंग आर्थ मीन्स हमारी बदलती हुई पृथ्वी देखिए हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से अगर हम बात एन सी एन टाइम्स से करें तो तब से हमारी पृथ्वी में कंटीन्यूस चेंजेस आते जा रहे हैं ओके okay? तो ये जो चेंजेज हैं तो ये कैसे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं और इससे हमारी पृथ्वी को और हमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ठीक है तो उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स आवर चेंजिंग अर्थ हमारी बदलती पृथ्वी द लीथोस्फेयर इज ब्रोकन इंटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लीथोस्फेरिक प्लेट सो स्टूडेंट लीथोस्फेरिक प्लेट क्या होता है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़े थे और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने लीथोस्फेयर हाइड्रोस्पेयर एक्जोस्पेयर वगैरह हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं ओके एटमॉस्फेयर तो उसी में है लीथोस्पेयरिक प्लेट्स टू के ठीक है तो किससे बनती हैं लीथोस्पेरिक प्लेट्स किससे बनती हैं लीथोस्पेयर से मिलती हैं तो लीथोस्पेयर है क्या लीथोस्पेयर मीन्स आपको पहले भी हिंट में बताया था एल फॉर लीथोस्फेयर एंड एल फॉर लैंड ओके तो हम लैंड से इसको याद कर सकते हैं लैंड मीन्स भूमि तो सो लीथोस्पेयर भूमंडल या स्थलमंडल ओके एंड लीथोस्पेरिक प्लेट्स मीन्स मंडलीय प्लेट अब क्या होती है स्थल मंडलीय प्लेट तो स्टूडेंट्स जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था द लीथोस्पेयर इज ब्रोकन इन टू अर नंबर ऑफ प्लेट्स ओके नोन एज द लीथोस्पेयरिक प्लेट्स ऑल राइट तो जो हमारा स्थल मंडल है ओके हमारा स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिसे क्या कहा जाता है स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है ऑल राइट लीथोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल तो जो हमारा स्थल मंडल है जो हमारा भूमंडल है वे अनेकों वेरियस प्लेट्स में डिवाइड होता है ऑल राइट right. जिसे क्या कहा जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोवली जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच एयर राइट यू विल बी सरप्राइज टू नो आप ये सुनकर आश्चर्यचकित होंगे आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि जो ये प्लेट्स होती हैं जो लीथोस्पेरिक प्लेट्स होती हैं ये हमेशा धीरे धीरे स्लोली मूवमेंट से धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है ओके okay. अगर हम बात करें तो जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर ऑल राइट और ये कैसे घूमती हैं प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं ऑल राइट right. तो ये इनका जो मोमेंट रेशियो है वो बहुत ही कम है बहुत ही थोड़ा है ओके दिस इज बिकॉज़ ऑफ द मोमेंट ऑफ द मॉल्टन मैगमा इनसाइड द अर्थ और इसी वजह से पृथ्वी के अंदर जो मेल्टेड मैगमा होता है पिघला हुआ जो मैगमा होता है उसके मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है ठीक है क्यों होता है पृथ्वी के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा द्रवित मैग्मा होता है उसमें होने वाली गति के कारण ही पृथ्वी के अंदर प्लेट्स क्या है धीमी धीमी गति से मूवमेंट करती रहती हैं ऑल सो द मोल्टन मैगमा इन साइड द अर्थ मोव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी अब जो मोल्टन मैग्मा है स्टूडेंट्स इन साइड द अर्थ पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग्मा है मूवस इन अ सर्कुलर मैनर वो क्या है एक सर्कुलर मैनर पर एक वृत्तीय मैनर पर घूमता रहता है वृत्तीय मीन्स सर्किल के रूप में घूमता रहता है क्या पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ या द्रवित मैग्मा सर्किल के रूप में क्या होता है घूमता रहता है जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया अब जो नीचे एक्टिविटी दी गई है स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे वो घूमता रहता है मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेस चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉजिस दम ओके एंड द फोर्स Which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called as. एक्जोजेनिक फोर्सेस ओके एंड फिगर थ्री पॉइंटर फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन य मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स जैसा कि हमने पढ़ा था लीथोस्पेरिक प्लेट्स के बारे में कि दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोवली तो जो ये प्लेट्स हैं इनका जो मूवमेंट होता है इनकी जो गति होती है इनकी इस गति के कारण चेंज किस में होता है पृथ्वी की सरफेस में भी चेंज हो जाता है किसके कारण होता है जो लीथोस्पेरिक प्लेट्स भूमि की जो प्लेटें हैं उनकी जो गति हमने पढ़ा था वे बहुत ही स्लोली गति करती हैं, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर ठीक है तो इस जो गति के कारण पृथ्वी की सतह में भी परिवर्तन होता रहता है द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज दैम ऑल और जो ये परिवर्तन होता है स्टूडेंट्स पृथ्वी की सतह पर तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर डिवाइड किया गया है विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ होती हैं क्यों ये गति होती है ठीक है क्यों ये मूवमेंट्स होता है प्लेट्स का तो अगर इस पर अगर स्टडी की जाए तो इसमें बताया गया है कि जो ये मूवमेंट होता है ये किस लिए होता है किसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं ठीक है देन द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक फोर्सेस एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्जोजेनिक फोर्सेज अब जो ये फोर्सेज हैं जो ये बल हैं जो विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं ठीक है जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं मीन्स आंतरिक में जो बल पैदा होते हैं जो फोर्सेस बनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है अंतर्जनित यानी इंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है अंतर्जनित इंडोमीज अंत अंतर्जनित अंतर मीन अंदर की ओर ठीक है इंडो इंडोमीज इनसाइड आप ऐसे लर्न कर सकते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस अंतर्जनित बल कहते हैं एव सो so सिंपल है अब एक्सोजेनिक मीन्स एक्सटर्नल बाहर की ओर से तो एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और ऐसा बल जो पृथ्वी की सतह पर काम करता है ठीक है या पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है एक्सोजेनिक एक्सो आप याद कर सकते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल मींस बाहरी ओके तो उसे एक्स उसे क्या कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेज यानी बाहर जेनिक बल कहा जाता है ओके फिगर थ्री पॉइंट वन स्टूडेंट्स हेयर दिस इज द फिगर ऑफ इवॉल्यूशन ऑफ फॉर्म्स कैसे फॉर्म्स का भू रूपों का या स्थल रूपों का कैसे Evolution होता है कैसे विकास होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि स्थल रूपों का विकास कैसा होता है ऑल राइट right. सो स्टूडेंट्स एट फर्स्ट देखो सबसे ऊपर क्या मेंशन है अर्थ मूवमेंट्स यानी कि पृथ्वी की, की गतियाँ अगर हम पहले कैटेगराइज करें अर्थ मूवमेंट्स को तो जो पृथ्वी की गतियाँ होती हैं उसको हमने अभी ऊपर प्रीवियस में भी पढ़ा कि पृथ्वी की गति को हम कितने भागों में बांटते हैं किन बल के आधार पर वे गतियाँ होती हैं येस ठीक है, yes, है? इंडोजेनिक और एक्जोजेनिक ओके तो ऐसे ही हमने अर्थ मूवमेंट की हमने टेबल बना ली इसको दो भागों में दो फोर्स कैटेगराइज किया एंडोजेनिक फोर्सेस एंड फोर्सेस ठीक है एंडोजेनिक बल कहा जाता है, uh, है? Okay? बहिर्जनित बल, right? बल. अब स्टूडेंट अभी हमने डिफाइन uh, किया था एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एस एंडोजेनिक फोर्सेस और ऐसे ही एज वेल एज हमने एक्सोजेनिक जस्ट जो पृथ्वी की सतह पर बल उत्पन्न होता है मीनसेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस ठीक है तो इन दोनों बल के कारण ही पृथ्वी पर पृथ्वी की प्लेट्स में इन साइड परिवर्तन होता रहता है मूवमेंट होता रहता है और जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है उसके कारण पृथ्वी की सरफेस पर भी क्या होता है धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं ओके अब देखिए स्टूडेंट्स अब इंडोजेनिक फोर्सेस को भी हम टू टाइप में डिवाइड करेंगे मींस इसको भी हम टू फॉर्म्स में कैटेगराइज करेंगे टू फोर्सेस में इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट वन सडन फोर्सेस ठीक है एंड सेकंड वन डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेस ओके अब सडन फोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट नाम से ही क्लियर है सडन मींस अचानक इमीडिएटली तो अचानक उत्पन्न होने वाला बल यानी आकस्मिक बल कहा जाता है सडन फोर्सेस को और दूसरा है डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज यानी पटल बल ओके इट मीन्स क्या होता है पटल विरूपण बल ये क्या है ओके okay? अब देखिए देखिये डिजास्ट्रिकोर्स मीन्स अगर हम इसको फिर से कैटेगराइज करें तो इसके अंदर आता है कि बिल्डिंग माउंटेन्स ठीक है जब माउंटेन्स बिल्ड होते हैं ठीक है उसके अंदर क्या आता है डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेस और सडन फोर्सेज के अंदर आएगा अर्थक् वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड ठीक है मीनस कि ये अचानक उत्पन्न होने वाला बल है अचानक भूकंप आ जाता है ठीक है अचानक ज्वालामुखी आ जाता है अचानक से भूस्खलन लैंडस्लाइड हो जाता है ठीक है तो सडन फोर्सेज में आर्थक् वॉल्केनो लैंडस्लाइड स्लाइड डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज में बिल्डिंग एंड माउंटेन्स अब अगर हम एग्जोजेनिक फोर्सेज को डिवाइड करें तो एग्जोजेनिक फोर्सेज को स्टूडेंट्स वन पार्ट में डिवाइड किया जाता है दैट इज अ इरोजनल एंड अ डिपोजिशनल ठीक है इरोजनल मीन्स आपने पहले भी पढ़ा था जैसे सॉयल इरोजन होता है इरोजनल यानी कि अपरदन एंड डिपोजिशनल मीन्स निक्षेपण, निक्षेपणके okay? तो अब इरोजनल और डिपोज़नल्स को भी हम चार फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे किन किस वजह से इरोजनल और डिपोजिशनल होता है ठीक है इरोजनल मीन्स अपर धन अलग अलग होना डिपोजिशनल मीन्स निक्षेपण होना ओके okay? तो ये भी चार आ, एक्टिविटी के द्वारा चार प्रोसेस के द्वारा या चार कंडीशंस इसमें होती हैं जैसे रिवर विंड सी वेव्स एंड ग्लेशियर इनकी वजह से कहीं पर भी इरोजनल और डिपोजिशनल की प्रोसेस होती है ठीक है जैसे रिवर नदियों की वजह से नदियाँ अपने साथ क्या होती है बहुत सारा क्या ले आती हैं अपने साथ मिट्टी को कंकड़ को और कई बार भूस्खलन या फिर जमीन को भी तोड़ते हुए लाती हैं उसमें भू कटाव कर देती हैं ऐसे विंड हवा की वजह से भी सी वेव समुद्री लहरों के कारण भी और ग्लेशियर हिम नदी के कारण भी ऑल राइट right? तो हम इसको अगर हम डिवाइड करें देखिए अर्थ मोमेंट दो फोर्सेस से होता है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस इंडोजेनिक फोर्सेस को फिर से हम टू कैटेगराइज करेंगे सडन फोर्सेज एंड डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज सडन फोर्सेज के अंदर अर्थ को एक एंड लैंड आता है एंड डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज में बिल्डिंग माउंटेन्स आता है ओके अब जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है वो किसकी वजह से होता है एक्सटर्नल फोर्सेस यानी एक्सोजेनिक को हम एक्सटर्नल फोर्सेस से हम समझ सकते हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस तो जो बाह्य सतह में मीन्स कि पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो बल उत्पन्न होता है जिसकी वजह से प्रोसेस होती है वो क्या चीज़ है रिवर पृथ्वी की बाहरी सतह को डिस्टर्ब करती है ऐसी विंड पृथ्वी की बाहरी सतह को करती है वेव्स करती है एंड ग्लेशियर करती है तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडोजेनिक सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स अभी हमने पढ़ा ना इंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी सडन फोर्सेस उत्पन्न करती है आकस्मिक बल उत्पन्न करती है एंड एट द अदर टाइम्स और कभी प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स और कभी वो क्या करती है धीरे धीरे मूवमेंट करती है कभी तो सडन मूवमेंट हो जाता है उसमें सडन मूवमेंट में जैसे अर्थक्वैक हो गया वॉल हो गया लैंड और कभी कभी वो स्लो मूवमेंट भी करती है ओके तो क्या करती है कभी कभी इंडोजेनिक फोर्सेस जो पृथ्वी के अंदर होने वाला परिवर्तन है वो क्या करता है कभी कभी तो अचानक से बल उत्पन्न कर देता है, और कभी कैसा करता है है? और कैसा धीरे धीरे बल उत्पन्न करता है ओके सडन मोमेंट्स लाइक अर्थ क्वैक ओके तो जो सडन मोमेंट्स होता है अभी हमने पढ़ा था जो आकस्मिक बल होता है जैसे कि भूकंप ज्वालामुखी कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ उसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर मास डिस्ट्रक्शन महाविनाश होता है ठीक है बहुत सारी चीजों पर को क्या होता है इससे इफेक्ट होता है और राइट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी हमें करनी है अवर चेंजिंग अर्थ में इस एक्टिविटी को आप देखिए सुनिए और फिर आप इस एक्टिविटी को करेंगे और राइट इससे आपका ये कॉन्सेप्ट अवर चेंजिंग अर्थ का बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा और राइट सो टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पोर्टेट इन अ बीकर हाउ फिल्ड विथ वाटर ऑल राइट स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना है आपको एक छोटी सी रंगीन छोटी सी एक गोली लेनी है पैलेट मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ स्मॉल हार्ड बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एन ऑफ सॉफ्ट मटीरियल दैट हैज बिकम हार्ड ओके मीन्स की एक गोली होती है कोमल पदार्थ की एक ऐसी छोटी सी कड़ी टाइट गोली होती है, जो सूखकर धीरे धीरे हार्ड हो जाती है उसको बोलता है पैलेट ओके okay, तो टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट आपको एक कागज की रंगीन रंगीन कागज की कलर्ड ना रंगीन कागज की एक गोली लेनी है एंड पुट इट इन बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर और इसे जल के आधे भरे बीकर में रखना है प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राईपॉड स्टैंड एंड हीट इट अब उसको क्या करना है आपने एक कलर्ड पेपर की गोली ली उसको हाफ पानी से भरे बीकर में डाल दिया अब आपको प्लेस द बीकर ऑन अ ट्राई ऑन आर ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट अब ट्राईपोड स्टैंड होता है पे दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको इसे बोलते हैं ट्राईपोड स्टैंड ठीक है तिपाही स्टैंड ओके तो अब आपको बीकर को जो आप जिस बीकर पे आपने पेपर की गोली ली है उस बीकर को तिपाही पर रखकर गर्म करें एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर और राइट एज द वॉटर वार्म जैसे जैसे पानी गर्म होगा ऊपर की ओर को उबलने लगेगा ओके यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पानी गर्म होगा तो आप देखेंगे कि जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि जो गर्म जल है गर्म पानी की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर को उठती है और जैसे ही ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली फिर नीचे की ओर बैठती है तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर इसी प्रकार से जो पृथ्वी के अंदर का स्थित पिघला हुआ मैग्मा होता है वह भी इसी प्रकार गति करता है जब वो गर्म हो जाता है वो बाहर की ओर को ऊपर की ओर को उठता है और फिर उसकी ठंडी परत के साथ वो नीचे की ओर को आता है ओके okay, तो इससे आपको क्या समझ में आया इस एग्जांपल से जो कि पृथ्वी के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है द्रवित मैग्मा होता है वो भी सेम वे पर क्या करता है गति करता है ओके okay, तो मीन्स कि पृथ्वी के अंदर जो स्थित पिघलम हुआ मैग्मा है द्रवित मैग्मा है वह भी इसी प्रकार की गति करता है जैसे कि बीकर में रखे पेपर पैलेट ने गति करी ठीक है कैसे करी थी जल गर्म होने पर जब जैसे जैसे पानी गर्म हुआ तो जो गर्म पानी की परत के साथ कागज़ की गोली कभी ऊपर की ओर को जा रही थी उठती थी और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली फिर नीचे को बैठ जाती थी ठीक है तो ऐसे ही मोल्टन मैग्मा भी एक्टिविटी करता है ऐसी प्रोसेस उसमें भी होती है ओके स्टूडेंट्स ऑल राइट नाउ नेक्स्ट ग्लॉसरी वी कैन रेट लीथोस्पैरिक प्लेट्स ओके प्लेट्स होता है स्टूडेंट्स स्थल मंडलीय प्लेट लीथोस्पैरिक प्लेट्स स्थल मंडलीय प्लेट अब क्या होती है भूमंडलीय स्थल मंडलीय प्लेट द अर्थस क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सैवर लार्ज एंड सम स्मॉल रिजेट इेग इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कंट कॉन्टीनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर ओके तो लिथोसोरी प्लेट होता है स्थलमंडली प्लेट क्या होती है, है? जो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी होती है ओके okay? तो पृथ्वी की भूपट्टी अनेकों बड़ी और कुछ छोटी रिजिट कठोर इरेगुलरली असमान शेप्ड प्लेट असमान आकार की प्लेटें होती हैं विच कैरी कॉन्टीनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर जिसमें महाद्वीप मीस महाद्वीप एवं महासागर की सतह है। फ्लोर महासागर की सतहें टिकी होती है अगेन हमने अभी लिथोस्फेरिक प्लेट पढ़ा था क्या होता है स्टूडेंट प्लेट्स ओके okay? लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता है स्थल मंडलीय या प्लेट यानी भूपरपट्टी की अर्थ क्रस्ट की अर्थ क्रस्ट क्या होता है हमारी पृथ्वी का ऊपरी कठोर भाग सबसे ऊपरी परत जो बहुत कठोर होती है और सबसे पतली भी होती है ठीक है तो जो हमारी पृथ्वी का भूपरपट्टी में क्या होता है अनेकों कंसिस्ट ऑफ हमारी भू पटी अनेकों लार्ज बड़ी अनेकों कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटों से बनी होती है जिन पर ठीक है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की कॉन्टिनेंट एवं ओशियन की सतह टिकी होती हैं ऑल राइट तो वो क्या कहलाता कहला है लीथोस्पेरिक प्लेट्स कहलाता है ठीक है द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिट इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर ऑल राइट Okay, now we will read next topic, it's a volcano. Okay. So let's start students. A volcano is a vent opening in the earth's crust. Okay. Through which molten material erupts suddenly. Figure through 3.2. It's a figure of a volcano here. It's a naming of different names. Okay. Inside the plates, crater, vent, lava, magma chamber, crust, mantle, gases, and ash. Okay. So let's start students. What's a volcano? कैनो क्या वॉल होता है एट फर्स्ट स्टूडेंट्स व्हाट्स द हिंदी मीनिंग ऑफ वॉल इट इज अ ज्वालामुखी आपने कई बार प्रीवियस क्लासेस में ठीक है आपने डिजास्टर में कभी पढ़ा होगा वॉल क्या होता है ये क्या होता है ज्वालामुखी होता है अब ज्वालामुखी क्या होता है स्टूडेंट्स ज्वालामुखी क्या होता है ये अर्थ क्रस्ट पर जो पृथ्वी की भू पर है उस पर एक खुला एक ऐसा छिद्र होता है एक ऐसा छेद होता है जहाँ से अचानक पिघले हुए पदार्थ ओके okay? अचानक निकलते हैं जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी मास डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है ऑल राइट right? तो इसका जो शेप होता है वॉलैनों का बिल्कुल ऐसे होता है देखो ये भू पर है भू पर, -पर, -पर की सतह पर एक ऐसा खुला छिद्र होता है जहाँ से अचानक से पिघले हुए पदार्थ रॉक्स स्टोन्स मिनरल्स कई चीज़ें पिघल कर निकलती हैं ओके okay? और उनका बहुत अधिक हाई टेम्प टेम्परेचर होता है क्योंकि अत्यधिक ताप ताप के कारण बहुत अधिक टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण वे मेल्ट होकर इससे वॉलैनो में बाहर निकलते हैं ओके सो वट्स अ वेलकैनो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं वॉलैनो क्या है अ वॉलकैनो इज अ वेंट वेंट ओपनिंग ओके खुला छिद्र वेंट मीन खुला छिद्र एक ऐसा ओपनिंग खुला छिद्र होता है इन द अर्थ क्रस्ट पृथ्वी की सतह पर थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरेप्ट सडनली जहां से मॉल्टन मीन्स पिघले हुए मटेरियल सामग्री इरेप्ट होती है विस्फोटित होती है सडनली अचानक ओके तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ से निकलती हैं स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं फिगर थ्री पॉइंट टू में दिस इज़ कॉल्ड अ क्रैटर ओके फिर क्रैटर से स्टूडेंट्स नीचे देखिए अब दिख रहा है इस पर वेंट यहीं से क्या होता है पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं ओके okay? वेंट मीन्स होता है छिद्र स्टूडेंट्स निकास या वेंट ओके okay? अब इसके अंदर क्या चीज़ें निकलती हैं लावा ठीक है क्या निकल रहा है देखो स्टूडेंट्स लावा एंड मैग्मा चैम्बर यहाँ पर वीकेंड से यहाँ से मैग्मा चैम्बर होता है यहीं से मॉल्टन मैग्मा क्या होता है ऊपर की ओर को निकलता है इसे मैग्मा चैम्बर या मैग्मा कोस्ट कहा जाता है एंड इट्स अ क्रस्ट स्टूडेंट्स ठीक है ये क्या है क्रस्ट है भूपल पट्टी है एंड इट्स अ मेंटल ऑल राइट अब जो चीजें इसमें बाहर निकल रही हैं इसमें क्या निकलेगा मॉल्टन मैग्मा निकलेगा जो बाहर आके लावा बन जाएगा और उसके साथ साथ गैस एंड एस एस राख निकलती हैं ओके अब स्टूडेंट्स इसका वर्ड हम एक बार पढ़ेंगे जो हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस पेज में इंडोजेनिक और में ठीक है तो इसका वर्ड ऑरिजन कहाँ से हुआ तो जैसे आपको वहां पर एग्जाम्पल हमने बताया था ऑलरेडी एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ इंडो मीन्स इनसाइड तो हम उसी से याद कर रहे थे ना इंडोजेनिक यानी इनसाइड साइड मीन्स अंदर की ओर लगने वाला बल इंडो प्लस जैनिक जेनिक मीन्स होता है स्टूडेंट्स ओरिजिन ओके उत्पत्ति मीन्स इनसाइड जैनिक यानी अंदर की ओर उत्पत्ति होने वाला फोर्सेस क्या कहलाता कहला है इंडोजेनिक फोर्सेस कहलाता है एक्जो मीन्स होता है स्टूडेंट्स आउटसाइड तो अगर हम एक्जो प्लस जैनिक एक्जो जैनिक मीन्स हो गया ओरिजिन एक्जो मीन्स आउटसाइड सो आउटसाइड ओरिजन ठीक है पृथ्वी की, की सतह पर बाहर की ओर बनने वाला बल क्या कहलाएगा एक्जोजेनिक फोर्सेस कहलाएगा यानी बहिर्जनित बल कहलाता है ऑल राइट ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स सिमिलरली वेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव ओके द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ एंड दिज वाइब्रेश आर कॉल्ड अर्थ क्वैक ठीक है अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको अर्थक्वैक की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताएंगे वॉलकैनो हमने पढ़ लिया वॉलकैनो क्या होता है अ अवॉल्कनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रॉस्ट थ्रो विच माल्टन विच मोल्टन मटीरियल इरप्स सडनली इट्स अ वॉलकैनो अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वैक क्या होता है आप सभी लोगों को अर्थक्वैक मालूम होगा भूकंप ठीक है आपने फील भी किया होगा कई बार जिस एरिया में हम लोग रहते हैं जिस लोकेलिटी में हम जिस स्टेट में हम रहते हैं यहाँ पर ऑफन क्या होता है अर्थ क्वैक आते रहते हैं तो ये अगर आ, इसे हम आपको मालूम है इसको मेजरमेंट रिएक्टिव स्केल में किया जाता है तो हम सभी ने अर्थ को फील तो किया ही है ऑल राइट right. तो लेकिन हम इसकी डेफिनेशन हम इसको क्लियरली बताएंगे स्टूडेंट्स क्या होता है अर्थक्वैक ठीक है यह एक वाइब्रेशन है स्टूडेंट्स अर्थ में क्या होता है एक वाइब्रेशन होता है क्या होता है एक वाइब्रेशन होता है मींस कि यह वाइब्रेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स कि यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है इस कंपन को भूकंप कहते हैं कौन सा कंपन स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर एक कंपन उठता है ठीक है स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की जो सरफेस होती है वहाँ पर क्या होता है वाइब्रेशन होने लगता है और यह वाइब्रेशन जो होता है ये पृथ्वी के चारों ओर मूवमेंट करता है मूव करता है और इसी वाइब्रेशन को भूकंप कहा जाता है और राइट right.

ओके, इट इज कॉल्ड अ लिथोस्फेरिक प्लेट यानी स्थलमंडलीय या प्लेट तो जब स्टूडेंट स्थल मंडलीय मूव मीन्स गति करती हैं ठीक है? द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स तो जो पृथ्वी की सरफेस होती है, पृथ्वी की जो सतह होती है वो कंपन करने लगती है all right, तो है, प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर वाइब्रेशन होने लगता है पृथ्वी की सतह पर कंपन होने लगती है एंड द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल अराउंड अर्थ और ये जो वाइब्रेशन होती है जो ये कंपन होती है पृथ्वी की सरफेस पर ये वाइब्रेशन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है ओके, एंड वाइब्रेशन आर कॉल्ड ठीक है, और यह वाइब्रेशन क्या कहलाती है अर्थ कहलाती है भूकंप कहलाती है तो आया समझ में स्टूडेंट्स? अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्या भूकंप होता है स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है इसी कंपन को भूकंप कहते फिगर थ्री पॉइंट थ्री यू कैन से ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक दिस पिक्चर फिगर थ्री पॉइंट थ्री इट्स ऑरिजन ऑफ एन अर्थ कैसे एक भूकंप की उत्पत्ति होती है देखिए यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हो रही है ठीक है तो कैसे यहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है देखिए ये इसका एपी सेंटर है और कैसे यहाँ पर स्थल मंडली प्लेट वाइब्रेट कर रही हैं मूवमेंट कर रही हैं तो इतने सारे भाग में सभी को वाइब्रेशन फील होगा दैट इज कॉल्ड आ अर्थ क्वैक ओके सो द प्लेस इन द क्रास्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स फिगर में कि जिस स्थान पर ओके okay. भू भू परपट्टी के नीचे कि परपट्टी यहां पर है ना भू परपट्टी के नीचे क्या होता है वह स्थान जहां वाइब्रेशन स्टार्ट होता है प्रारंभ होता है इस पॉइंट पर देखिए वाइब्रेशन प्रारंभ हो रहा है तो इसको क्या कहा जाता है फोकस कहा जाता है फोकस यानी उद्गम केंद्र की यहीं पर अर्थक्वेक प्रारंभ हुआ है तो इसको फोकस या उद्गम केंद्र एंड फोकस क्या होता है दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स इट इज द ऑरिजिन डिफ्यूजन ऑफ सेस्मिक एनर्जी ओके तो यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हो रहा है जिसको उद्गम केंद्र कहते हैं ऑल राइट right? और फिर क्या होता है देखो द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपी ठीक है अब देखिए जो ये फोकस है इसी के सीध में अगर हम ऊपर पृथ्वी की सतह पर जाएं तो इस स्थान को बोलते हैं एपी बोला जाता है एपी सेंटर होता है अधिकेंद्र ठीक है ई पी सेंटर मीन्स अधिकेंद्र अधिकेंद्र क्या है फोकस के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या ई सेंटर कहते हैं किसके फोकस के, के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहा जाता है अधिकेंद्र या ई सेंटर कहा जाता है ठीक है अब वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द ई सेंटर एज वेव्स ठीक है अब जो वाइब्रेशंस हैं स्टूडेंट्स जो कंपन है वह अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में मूवमेंट करती है अब यहाँ से ई से ये तरंग के रूप में वाइब्रेशन मूवमेंट करेगी यहाँ पर आया फिर थोड़ा यहाँ पर आई स्थल स्थल मंडली जो प्लेट्स होती हैं वो क्या होती हैं मूवमेंट करने लगती लेकिन वो वाइब्रेशन वेव्स के रूप में मूव करती हैं ओके तो जो एपिसेंटर से जो वाइब्रेशन है वो बाहर की ओर को तरंगों के रूप में वेव्स के रूप में क्या करती हैं मूव करती हैं गमन करती हैं ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज इज अवे फ्रॉम द सेंटर अब ये तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पर होती है अर्थक्वेक की जहाँ पर एपी के जो क्लोजेस्ट

सतह के ओर को जाते रहेंगे जैसे सेंटर से दूर होते रहेंगे भूकंप की जो तीव्रता है जो स्ट्रेंथ है वो भी उसी के अकॉर्डिंग मींस कि धीरे धीरे वो भी कम होने लगती है ऑल राइट right? तो अब हम इस फिगर को देखेंगे स्टूडेंट्स ऑरिजन ऑफ एन अर्थ को कैसे एक भूकंप की उत्पत्ति होती है हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था फोकस फोकम्प फोकस मीन्स उद्गम केंद्र तो ये कहाँ होता है भू सतह से नीचे अंदर की ओर को होता है फिर इससे जस्ट ऊपर भू सतह पर ए सेंटर होता है अधिकेंद्र होता है यहाँ पर इसके आसपास के भागों में भूकंप की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है ठीक है अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लेट बाउंड्री ठीक है ए के पास हमने क्या पढ़ी प्लेट बाउंड्री प्लेट बाउंड्री क्या होती है प्लेट सीमा होती है ठीक है तो यहाँ पर भी इसकी वाइब्रेशन होती रहती हैं अब ये भूकंप आया कहाँ से तो ये किसकी वजह से होता है सैसमिक एनर्जी की वजह से होता है यानी भूकंप की जो तरंगे होती हैं वो सभी दिशाओं से बाहर की ओर को निकलती हैं इस फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हैं सैसमिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस ऑल तो जब जितनी भी भूकंपी तरंगे हैं जितनी भी सैसमिक वेव्स हैं ये सभी दिशाओं से बाहर की ओर को निकलती हैं ऑल राइट right?

ठीक है अब आपको क्या करना है पुट द वॉटर टू बॉयल अब जो इसमें आपने पानी रखा है इसको गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए नाउ पुट सम पीस स्पून एंड बीट्स ऑन टॉप ऑन द लीड अब आपको क्या करना है जब आपने उसके पानी को गर्म करने रख दिया उसका ढक्कन बंद कर दिया आप ढक्कन के ऊपर आपको कुछ मटर ठीक है पीस मीन्स मटर स्पून चम्मच ओके एंड बीट्स मीन्स मोती के दाने ठीक है जो मन के होते हैं मोती माला के दाने मोती के दाने तो इनको आपको ढक्कन के ऊपर रख देना है वट डू यू नोटिस अब आप देखिए क्या होता है एज द वाटर बॉयल्स द लेड बिगेन्स टू शेक अब जैसे जैसे पानी गर्म होता चलेगा तो जो लेड है जो उस कंटेनर का बर्तन का जो ढक्कन है वह हिलने लगता है आपने देखा था ना आप घर पे भी अगर कुछ कैटल वगैरह में पानी गर्म करते हैं तो जब पानी बहुत गर्म होता है तो वो क्या होता है हिलने लगता है शेक होने लगता है द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लेड ऑल्सो वाइब्रेट अब आपने उसके ढक्कन पर क्या क्या चीजें रखी थी मट चम्मच और मोती की माला के दाने रखे थे है ना तो वो भी क्या होते हैं वाइब्रेट होने लगते हैं उनमें भी कंपन होने लगता है ठीक है द बीट्स रोल डाउन एंड द स्पून वाइब्रेट्स टू मेक अ साउंड और जो दाने हैं वो हल्के होते हैं राउंड शेप में होते हैं तो वो तो लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं और चम्मच वहीं पर वाइब्रेट वो भारी होती तो वो एकदम गिर नहीं पाती लेकिन वो कंपन करने लगती है वाइब्रेट करने लगती है और आवाज़ होने लगती है ठक 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 की आवाज़ इन द सेम मैनर ठीक इसी तरीके से द अर्थ वाइब्रेट वेन अर्थ क्वैक आकर्स इसी तरीके से पृथ्वी क्या होती है वाइब्रेट होती है कंपन करती है जब पर आता है और राइट right, है ना बहुत मजेदार एक्टिविटी है अर्थ क्वैक को समझने के लिए ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट डू यू नो क्या आप जानते है? ओके okay? तो स्टूडेंट्स सम सम पॉइंट्स सो नाउ टेल मी डू यू नो अगर आप जानते हैं इट्स वेरी नाइस वेरी गुड अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लेंगे ओके okay? तो क्या है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वैक वेव्स ओके तीन प्रकार की भूकंप की तरंगे होती हैं ऑलराइट right? तीन प्रकार की भूकंप की तरंगे होती हैं भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं नंबर वन पी वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स सबसे पहले जो होती है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं भूकंपीय भूकंपीय तरंगों में जो सबसे पहली तरंग है वो है पी तरंग ठीक है इसको क्या भी कहा जाता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है यानी अनुदैर्ध्य तरंगें भी इसको कहा जाता है एंड सेकंड वन एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स ठीक है एस वेव्स यानी एस तरंगे एंड ट्रांसवर्स मीन्स अनुप्रस्थ ठीक है लॉन्गिट्यूडनर अनुदैर्ध्य तरंगे एंड ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे एंड फिर आती है थर्ड में एल वेव्स एल वेव्स यानी एल तरंगे ओके और एल तरंगे क्या होती हैं इसको सरफेस वेव्स सरफेस मीन्स प्रेस्टीय इसको क्या भी कहा जाता है प्रेस्टीय तरंगें भी इसे कहा जाता है और राइट ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन इनसाइक्लोपीडिया और राइट अब आपको इन तरंगों के पी तरंग एस तरंग एल तरंग ओके okay? मीन्स की लॉन्गिट्यूडनल तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग ट्रांसवर्स वेव्स अनुप्रस्थ तरंग सरफेस वेव्स पृष्ठीय तरंगों की प्रॉपर्टीज को गुणधर्म को आपको इनकी तरंगों के बारे में इनके गुणधर्म के बारे में आपको इन इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश पुस्तक होती है ना उसे आप ढूंढने का प्रयास कीजिए ऑलराइट ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑल अर्थक्वैक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ओके प्रेडिक्टेड मीन्स स्टूडेंट्स पहले से भविष्यवाणी कर देना जिसके हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं तो यद्यपि जो अर्थक्वैक होता है ठीक है उसकी पहले से कोई भी भविष्यवाणी उसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता उसकी पहले से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जैसे हम फॉरकास्टिंग तो करते हैं ना हम मौसम की भविष्यवाणी जो हमारे आ, मौसम विभाग होता है वो फॉरकास्टिंग वहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं वे क्या कर लेते हैं सैटेलाइट के कैमरों के द्वारा हमें ये बता देते हैं कि कब तक वर्षा होने वाली है कितनी मात्रा में वर्षा होने वाली है और अगर कहीं पर डिजास्टर या भारी वर्षा होता है तो उसका भी अलर्ट कर देते हैं है, हैवी रेनफॉल का भी वे पहले से ही प्रेडिक्ट कर देते हैं उसका अलर्ट जारी कर देते हैं लेकिन भूकंप की कभी भी भविष्यवाणी या अर्थक्वर्क अलर्ट कभी भी नहीं किया जा सकता है यह बहुत कठिन है द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली ओके okay? अब इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है तो लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं हम पहले से अगर तैयार हों इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है अगर हमें अवेयरनेस आ जाए अर्थ क्वेक को लेकर ठीक है अगर हम जागरूक हो जाएंगे तो जो इससे होने वाले नुकसान हैं वो काफी हद तक कम हो सकते हैं ठीक है तो यद्यपि भूकंप की कोई भविष्यवाणी संभव तो नहीं है लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है ओके सम कॉमन अर्थ क्वैक प्रेडिक्शन मैथर्ड एडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टर्डिंग एनिमल बिहेवियर फिश इन द पॉन्स गेट एजिटेड स्नैक्स साम टू द सरफेस देखिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ के लोकल लोग एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि कब भूकंप आ सकता है उनके काफ़ी एक्सपीरियंस है काफ़ी अनुभव है उनका वहाँ के स्थानीय लोगों के पास बुज़ुर्गों के पास जो भूकंप क्षेत्रों में जहाँ पर भूकंप की आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है उन क्षेत्रों से जो बिलोंग करते हैं तो वो अक्सर इस चीज़ को सफ़र करते हैं तो उन्होंने कुछ अनुमान लगाया कुछ संभावनाएँ वे बता सकते हैं कि भूकंप आ सकता है ठीक है तो स्टूडेंट्स उसमें क्या है कॉमन अर्थवर्क प्रेडिक्शन मैथड्स एडॉप्टेड लोकलीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल लोग हैं वहाँ के जो हैं स्टूडेंट्सों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं और वे सामान्य तरीके क्या हैं स्टूडेंट्स स्टडिंग एनिमल बिहेवियर यानी कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना कि जानवरों का बिहेवियर सडन क्या होता है चेंज होने लगता है और राइट right? फॉर एग्जाम्पल फिश इन द पॉन्ट्स गेट एजिटेड अब जो तालाब में मछलियाँ होती हैं वे एजिटेट होने लगती हैं उनकी उत्तेजनाएं बढ़ने लगती हैं वे अजीब सा फील करती हैं इधर उधर तेजी से दौड़ती मीन्स कि उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं होता है ठीक है और दूसरा स्नेक्स कम टू द सरफेस और जो सांप जमीन के भू पर पट्टी के अंदर रहते हैं बिलों में, रह, बिल, बिलो में रहते बिलों में रहते हैं तो वे सडन पृथ्वी की सरफेस पर आ जाते हैं ठीक है क्योंकि अंदर मूवमेंट हो रहा होता है इनसाइड ना एंड्रोजेनिक फोर्सेस में अंदर मूवमेंट हो रहा होता है तो सांप को उस वाइब्रेशन का पता चल जाता है और वो जल्दी से धरातल पर सरफेस पर आ जाता है तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स बिहेवियर हैं जिसका अगर स्थानीय लोग इसको एडॉप्ट करते हैं इस अध्ययन से वे क्या हो जाते हैं अलर्ट हो हो जाते हैं कि शायद भूकंप आ सकता है ओके हेयर अर्थक्वैक अ केस स्टडी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वस्तु स्थिति अध्ययन है भूकंप का एक अध्ययन एक केस स्टडी बनाई गई है जो कि वास्तव में हुआ था इतना नुकसान हुआ था और क्या क्या इसके इम्पैक्ट हुए थे ठीक है तो इसके बारे में एक केस स्टडी यहाँ पर दिखाई गई है हम उसे पढ़ेंगे अर्थ क्वैक हिट्स भुज ओके तो एक बार भुज में कब की बात है स्टूडेंट्स ये जनवरी टू थाउजेंड वन की समथिंग बात है यस ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन की बात है भूत शहर में बहुत ही भयंकर 6.9 पॉइंट रिएक्टर स्केल पर इतना भूकंप वहां पर आया था इस तीव्रता का वहां पर भूकंप आया था जिससे भुज में बहुत ज्यादा तबाही हो गई थी ठीक है कई लोग यहाँ पर इन्होंने अपने जीवन को और अपनी संपत्ति को ठीक है जान और माल का बहुत अधिक भुझ में नुकसान हुआ था तो अब क्या क्या हुआ था देखिए यहाँ पर एक पेपर कटिंग दी गई है 2001 26 जनवरी की तो इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट्स अ मैसिव अर्थक्वैक मेजरिंग 6.9 पॉइंट नाइन ऑन रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड जनवरी दो 2001 को गुजरात के भूत शहर में ठीक है सिटी गुजरात में? गुजरात के भूत शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भयंकर मैसे भारी भरकम भूकंप कंभ आया था ठीक है तो उसे क्या क्या चीजें अफेक्ट हुई थी स्टूडेंट्स? नंबर टू स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड सबसे ज़्यादा स्कूल प्रभावित हुए थे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रभावित कौन हुए थे विद्यालय प्रभावित हुए थे ठीक है अब वे कैसे हुए थे स्टूडेंट्स अभी आप देखेंगे एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फेयर टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द दलाप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स स्कूलों की जब इमारतें गिरी भूकंप के आने से जब स्कूल की बिल्डिंग्स कॉलेप्स हो गई थी गिर गई थी कम से कम अनुमान लगाया गया था उस समय 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की टीचर्स की मौत की आशंका उस समय बताई गई ओके एंड नंबर थर्ड भुज रिलाइफ एफर्ट ब्लाइटेड ओके तो जो भुज का मीन्स uh, की जो एफर्ट uh, था रिलीफ एफर्ट था जो वहाँ का ठीक है वो क्या हो गया था ब्लाइटेड मीन्स की भुज में निराशाजनक राहत मिली थी वहां पर रेस्क्यू उतनी स्पीड से नहीं हो पाया बहुत अच्छा रेस्क्यू वहां पर नहीं हुआ थ्री डेज आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाईज नॉट रीचिंग एवरी वन तो उस समय क्या हुआ था भूकंप के तीन दिन गुजर जाने के बाद भी हर व्यक्ति तक ब्लैंकेट्स कंबल ठीक है खाना भोजन और दवाइया आदि ना पहुंचने के कारण उन सब की जो हालत थी वे काफी चिंताजनक थी ओके नंबर फोर डिस्ट्रक्शन ऑफ भोज तो भोज का विनाश हो गया था तबाही हो गई थी क्या तबाही हुई थी कहाँ कहाँ पर इफेक्ट पड़ा था फोन लाइन्स वाटर पाइप लाइन्स एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स व नॉकडाउ ठीक है तो जितनी भी फोन लाइन थी जितने भी वायर थे फोन कनेक्टेड थे जल पाइपलाइन थी वाटर पाइपलाइन और बिजली पावर स्टेशन जितने थे विद्युत स्टेशन और जितनी भी संचार लाइनें थी सभी क्या हो गई थी अवरोधित हो गई थी ब्लॉकड हो गई थी सबने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि पोल गिर गए थे वाटर पाइप टूट गई थी पावर स्टेशन आ, सब खराब हो गए थे ओके नाउ नंबर फाइव फायर इन द सिटी और पूरे शहर में आग लग गई थी ठीक है वो कैसे लगी थी स्टूडेंट्स कि जितने भी हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड एज चारकोल कुकर्स एंड ओवर टर्न तो क्यों जैसे ही भूकंप आया तो भूत शहर में जितने भी चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण जितने भी चारकोल के ड्रम थे जितना भी चारकोल स्टोर किया गया था अंगीठियाँ जो थी उनके पलटने के कारण अनेकों स्थानों पर क्या लग गई थी आग लग गई थी ओके इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन क्वैक जोन और जहां जहां पर भूकंप प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई आपातकालीन घोषणा आपातकाल की घोषणा वहां पर कर दी गई द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी उस राज्य में जितने भी भूकंप क्षेत्र थे वहां पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति को डिक्लेयर कर दिया नंबर सेवन सी एम्स एपी to the सेंटर ठीक है तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने केंद्र सरकार को अपील की याचिया याचिका दायर की ठीक है कि उ, उनको हेल्प की जाए और राइट गुजरात अपील फॉर फाइनेंशियल हेल्प द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद डिजास्टर अब क्या याचिका दी गई क्या अपील दी गई कि गुजरात की जो सरकार थी मुख्यमंत्री ने इस डिजास्टर का इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से फाइनेंशियल हेल्प मांगी यानी वित्तीय सहायता उन्होंने मांगी ओके ताकि जनजीवन सुचारू रूप से चल सके राइट स्टूडेंट right, तो देखिए कैसा अर्थक्वैक भोज में आया था कैसे अर्थ क्वैक ने हिट किया था भोज को जिससे लोगों की जान माल का बहुत नुकसान हुआ और उस राज्य में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हुई थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ हुई थी लोग अपने घरों से बेघर हो गए लोगों के परिवार परिवार के सदस्य उनसे दूर हो गए ओके okay? so now next do you know kya ab jante hai an earthquake is measured with a machine called a seismograph. okay, the magnitude of the earthquake is measured on the reactor scale. an earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. an earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. and a 6.0 or higher magnitude is considered. Considered very strong and जो नापने वाला यंत्र है, नापने वाली जो मशीन है उसे क्या कहा जाता है? लेखी कहा जाता है क्या कहा जाता है सेसमोग्राफ यानी भूकंप लेखी कहा जाता है किसे भूकंप नापने की जो मशीन होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वैक इज मेजर्ड ऑन द रियक्टर स्केल ठीक है तो जो मैग्निट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वैक ओके तो जो भूकंप का मैग्निट्यूड है जो तीव्रता है उसको रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है ओके एन अर्थक्वैक ऑफ टू पॉइंट जीरो और लेस कैन बी फेल्ट ऑन लियर लिटिल अगर रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता होती है अगर वो टू पॉइंट जीरो या इससे कम है ठीक है यानी जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव ना के बराबर होता है बहुत ही लिटिल इफेक्ट पड़ता है उससे ठीक है एंड एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग और अगर भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है वहां पे जमीन सरफेस इतनी वाइब्रेट करती है कि कुछ भी रखी हुई चीज क्या हो सकती है गिर सकती है अ सिक्स 0.0 जीरो और हायर मैग्नीट्यूड ओके सिक्स पॉइंट ज़ीरो और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांग एंड सेवन पॉइंट ज़ीरो इज क्लासीफाइड एज अ मेजर अर्थ क्वैक ओके और स्टूडेंट्स अगर ये याद रखिए जिस भूकंप की तीव्रता सिक्स पॉइंट ज़ीरो अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत पावरफुल बहुत शक्तिशाली होता है और अगर जिसकी तीव्रता सेवन पॉइंट जीरो अथवा उससे ज़्यादा होती तो वह तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है और सेवन ऑलमोस्ट कहाँ पर हुई थी 2001 26 जनवरी को कहां पर हुई थी गुजरात के भुजनगर में हुई थी इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गई थी प्रॉब्लम्स हुई थी बहुत ज्यादा वहां पर आ, आ, क्या हुआ था भूकंप से लोगों को नुकसान हुआ था डिस्ट्रक्शंस हुआ था और इस वजह से प्रेसिडेंट डिक्लेयर दैट टाइम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और राइट क्योंकि वहां पर भूकंप की तीव्रता कितनी हुई थी सेवन पॉइंट जीरो के करीब यानी सिक्स पॉइंट नाइन विलीन हुई थी और राइट right. तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता कहाँ पर लिटिल होती है कहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता, होता, होता है कहाँ पर मेजर डिस्ट्रक्शन होता है कहाँ पर लिटिल फील होता है और राइट Now next activity again here is one activity students read the earthquake भूकंप को पढ़िए ओके अ केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस दैट अपेयर इन द न्यूज़ पेपर आफ्टर द क्वैक अरेंज द इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देआर हैपनिंग अब भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के कुछ मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक केस स्टडी को पढ़िए इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करिए जैसे यहाँ पर बताया गया ना स्टूडेंट्स कैसे यहाँ पर वन टू थ्री फोर में इसको कैटेगराइज किया गया है श्रेणीबद्ध किया गया तो ऐसे ही आप आपको एक एक्टिविटी करनी है कोई भी एक न्यूज़पेपर लीजिए वहां पर आ, हो सकता है कहीं पर कोई भूकंप आया तो उसको उसका एक न्यूज हेडलाइंस वहां पे न्यूज़पेपर में दी होंगी तो आप उसको वन टू थ्री फोर करके उसमें टेबल कर देंगे ओके ना सेकेंड इमेजिन इफ अ क्वैक सडनली शोक इन द मिडिल ऑफ द स्कूल डे वीयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट इट्स फॉर यू कि इमेजन जरा सोचिए कल्पना करिए इफ अ क्वैक अगर भूकंप अचानक से मिडल ऑफ द स्कूल डे स्कूल समय के बीच में अचानक अगर भूकंप आ जाए देन वेयर वुड यू गो फॉर अयर सेफ्टी तो उस समय आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी आप, आपकी प्रीवियस क्लासेस में हमेशा मैं आपको इसके बारे में लेक्चर देती हूँ कि कैसे अगर कभी अर्थक्वैक आ जाए लैंड हो जाए तो आप कैसे अपनी सेफ्टी कर सकते हैं तो अगर आपको स्कूल के मिड में स्कूल के समय के बीच में स्टूडेंट्स अगर आपको आ जाता है तो आपको हमेशा स्टूडेंट्स यू सोड अंडर यू सोड बी अंडर अ टेबल और अ डेस्क अंगेस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले तो आप यह देखेंगे कि अगर आपकी क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पर है और मे बी फर्स्ट फ्लोर पर है तो आप जितनी स्पीड से आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से अगर ओपन ग्राउंड में अगर आप जा सकते हैं तो इट इज अ बेटर ऑप्शन बेटर वर्क फॉर यू ठीक है तो बहुत अच्छा काम आप करेंगे अगर भूकंप अगर आपकी क्लास के समय आ जाए तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर की क्लास में तो आप सीधे ग्राउंड में चले जाइए फर्स्ट फ्लोर से भी आप स्पीडली बाहर निकल सकते हैं लेकिन अगर आपको बाहर निकलने का टाइम ना मिले तो आप कहां पर चले जाएंगे स्टूडेंट्स अंडर अ टेबल आपकी जो टेबल और डेस्क होती है आप उसके नीचे चले जाएंगे और उसको होल्ड कर लेंगे टाइट से टेबल और डेस्क को ठीक है और आप अंगेस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल पर भी आप खड़े हो सकते हैं ताकि कोई चीज आपके हाँ ऊपर गिरकर आपको नुकसान ना पहुंचाए कि आप आप हार्ड चीज के नीचे आप खड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं कि आप इधर उधर भाग रहे हैं ओके okay? तो इससे आपको नुकसान हो सकता है एंड दूसरी चीज आप क्या करेंगे स्टूडेंट स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस एरिया अराउंड चिमनीज विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स ऑल तो ये चीजें आप करेंगे अगर कभी अगर आपके स्कूल समय के बीच में अगर आ जाता है तो आपको और भी और भी प्रिपेडनेस आपको हम बताएंगे अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में तो वो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स अर्थक्वैक preparedness, okay, ओके अर्थक्वैक आप देखेंगे कि कैसे भूकंप से बचाव की तैयारी की जाती है तो यहाँ पर अभी आपको और क्लूज देंगे हम और आपको चीज़ें बताएंगे कि कैसे भूकंप अगर आता है तो आप अपने को सेफ रख सकते हैं वेयर टू टेक सेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वैक अब आपको देखना है कि आपको कहाँ पर सेल्टर कहाँ पर आश्रय आपको भूकंप के दौरान लेना है सेफ स्पॉट सबसे पहले आपको सुरक्षित स्थान ढूंढना है स्टूडेंट्स ठीक है तो सुरक्षित स्थान कहाँ पर है अंडर अ किचन काउंटर आप अपने अगर घर पर हैं तो आप किचन का जो काउंटर होता है जो किचन का प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हैं ठीक है जो किचन का सर्विंग प्लेटफॉर्म होता है या कुकिंग प्लेटफॉर्म होता है आप उसके नीचे जा सकते हैं ठीक है किचन काउंटर के आप नीचे चले जाइए घुस जाइए टेबल और डेस्क अगर वहाँ पर है टेबल और डेस्क के नीचे चले जाइए और अंगेज स्टैंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल ठीक है दीवार के सहारे या कोने पर आप खड़े? खड़े हो सकते हैं नाउ नेक्स्ट स्टे अवे फ्रॉम और आपको किस जगह से दूर खड़े होना है किस जगह से दूर चले जाना है फर्स्ट वन स्टूडेंट फायर प्लेसेस मीन जहां पे सिलेंडर वगैरह अगर रखे हैं कोई फायर की चीजें पेट्रोल वगैरह कोई भी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आग लगने का सबसे ज्यादा खतरा है आप उससे दूर चले जाएंगे एरियाज अराउंड चिमनी चिमनी के आस भी आप नहीं रहेंगे विंडो खिड़की के पास भी आप नहीं रहेंगे ठीक है दैट सैटर इंक्लूडिंग मिरर जिसमें शीशे लगे रहते हैं ऑलराइट right. और कहीं पर खिड़की में शीशे होते हैं ग्लास होता है और अगर कहीं पर शीशे वाली आपका मीन्स की ड्रेसिंग टेबल है या शीशे कहीं पर लगे हैं या पिक्चर फ्रेम है घर के आप पास फोटो फ्रेम का कोई वॉल हैंगिंग है तो आप उन सबसे दूर चले जाएंगे क्योंकि वो वाइब्रेट होकर नीचे गिर सकते हैं आपके ऊपर जिससे आप इंजर्ड हो सकते हैं ओके नेक्स्ट बी प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार रहिए ठीक है स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स We'll be right <laughs> back. ओके एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आपको अवेयरनेस होनी चाहिए किसी भी चीज की ठीक है आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए ऐसे टाइम पे कभी भी घबराना नहीं है डरना नहीं है पैनिक नहीं होना है ठीक है तो आप हमेशा प्रिपेयर रहिए कि इस टाइप का इस प्रकार का डिज़ास्टर कभी भी कहीं भी हो सकता है ठीक है तो उससे घबराना नहीं है बिल्कुल पेशेंस रख के शांति से कॉन्फिडेंट होकर सेफ स्पॉट पर जाना है और आपको कुछ चीजों से स्टे अवे रहना है जस्ट लाइक फायर प्लेसेस ठीक है कोई भी ऐसी चीजों से और बी प्रिपेयर्ड और तैयार रहिए स्टूडेंट्स किस बात के लिए स्प्रेड अवेयरनेस ठीक है अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आपको अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों के बीच में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाइए आप हमेशा ठीक है उनको कहिए कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए आप अपने पेरेंट्स को भी बताइए अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि क्या होता है अगर अर्थक्वैक आता है तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ठीक है तो जस्ट लाइक like आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं अपने ब्रदर सिस्टर को बता सकते हैं कि सेफ स्पॉट पर हमें सबसे पहले जाना चाहिए अपने फ्रेंड्स को बताइए और घर के अंदर हमेशा याद रखे कि अर्थक्वेक की कंडीशन में सेफ स्पॉट्स कौन से होते हैं सुरक्षित स्थान कौन से होते हैं आपको बताए है ना अंडर अ किचन काउंटर जो किचन का रसोई का जो काउंटर होता है. है ना दूसरा सेफ स्पॉट क्या है टेबल और डेस्क ठीक है और तीसरा क्या है अंगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल यानी दीवार के अंदरूनी कोने मींस के अंदर की साइड जो दीवार के कॉर्नर होते हैं स्टूडेंट्स वहां पर एकदम से चोट वगैरह नहीं लगती कोई चीज कॉर्नर्स पर नहीं गिरती आपने देखा होगा है ना तो ये क्या होते हैं सेफ स्पॉट्स होते हैं ठीक है एंड सेकेंड स्टूडेंट्स स्टे अवे फ्रॉम कभी भी अगर अर्थक्वैक आता है वाइब्रेशन घर होने लगता है दीवारें वाइब्रेट होने लगती हैं तो आपके घर का जो भी आग वाले स्थान है जो भी फायर प्लेसेस हैं ठीक है Okay. तो आप इन सभी फायर प्लेसिस से क्या रहेंगे दूर रहेंगे आपको बिल्कुल स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेज एंड सेकेंड स्टूडेंट्स एरिया अराउंड चिमनीज और अगर आपके घर में चिमनी है किचन में चिमनी लगी है या हो सकता है कहीं पर आग जलाते हो वहाँ पर चिमनी लगाई गई हो तो जहाँ जहाँ पर चिमनी है आप वहाँ से भी दूर हो जाएंगे विंडोज़ और दूसरा आपको तीसरी चीज़ है आपको खिड़की से दूर होना है ठीक है ऐसी खिड़की जिसको आपको लगता है कि टूट सकती है क्योंकि पहले तो लकड़ियों की खिड़की होती थी तो ये कितना भी वाइब्रेट होती थी तो ये नहीं टूटती थी लेकिन स्टूडेंट्स मॉडर्न टाइम में आजकल आप लोगों के घर में सारी जो खिड़कियां हैं वो ग्लास वाली होती ताकि प्रॉपर लाइट घर के अंदर आ सके इसलिए किसकी खिड़की बनाई जाती है आजकल ग्लासेस की खिड़की बनाई थी तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है वाइब्रेट होकर वे ग्लास क्या हो सकते हैं टूट सकते हैं ठीक है ठीके? और ग्लास हमारे ऊपर अगर गिर जाता है तो बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुंचाता है ओके okay, एंड uh, हमारे घर पे बड़ी बड़ी वॉल हैंगिंग्स होती हैं मिरर होते हैं वॉल मिरर होते हैं ड्रेसिंग टेबल होता है ठीक है और पिक्चर्स फ्रेम भी हम अपने घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें इनसे भी क्या रहना है स्टे अवे रहना है हमें दूर रहना है ओके okay, स्टूडेंट्स अब हमें बी प्रिपेयर्ड हमें तैयार रहना है तो कैसे हम तैयार रहेंगे जब तक हम जागरूक किसी चीज़ के लिए नहीं होंगे हमें जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी तो हम जागरूक नहीं हो सकते जानकारी के अभाव में जागरूकता नहीं आती तो अगर हमें मालूम है वेयर टू टेक सल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वैक देन वी विल बी कॉन्फिडेंट एंड वी आर वेरी अवेयर अबाउट टू फाइट विथ अर्थक्वैक कैसे हम अर्थक्वैक से लड़ें कैसे हम इस कंडीशन से बचेंगे तो ये सब चीजें कहां से आएंगी जब हमें इसकी जानकारी होगी ओके सो स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स ओके तो आप अपने दोस्तों के बीच में एंड फैमिली और परिवार वालों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे ओके एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली डिजास्टर मींस आपदा आपदा कई प्रकार की होती है स्टूडेंट नॉट ओनली अर्थक्वेक ओके वॉलकैनो भी आपदा है ओके फ्लड भी आपदा है हैवी रेनफॉल भी आपदा है ओके okay? ऐसे ही ड्रॉट भी एक आपदा है सूखा जहाँ पर पड़ जाता है लैंडस्लाइड बहुत बड़ी आपदा लैंडस्लाइड में भी हो जाती है है ना तो ये सारे डिजास्टर हैं तो हमें इन सभी डिजास्टर के लिए अवेयर होना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेम्बर के बीच में अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंट के साथ ठीक है एक विश्वास के साथ हमें इस आपदा का सामना करना चाहिए ओके okay? स्टूडेंट्स नाउ हेयर वन पिक्चर ऑफ दिस पेज फिगर थ्री पॉइंट थ्री एके इट्स द फिगर ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई एन अर्थ क्वेक इन गुजरात भोज देखिए जब ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड वन को हिट किया था भोज में अर्थक्वैक ने जब हिट किया था तो वहां पर देखिए इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसे आग लग गई थी क्योंकि शॉर्ट सर्किट्स हुए थे पावर हाउसेस टूट गए थे पोल लाइट टूट गई थी जिससे शॉर्ट सर्किट बढ़ा और शॉर्ट सर्किट की वजह से बिल्डिंग्स में क्या हो गई थी आग लगी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था तो गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश का आप एक चित्र यहाँ पर देख सकते हैं ओके स्टूडेंट नाउ टुडे क्लास इज ओवर टुमारो आई विल बी बैक विथ नेक्स्ट पेज ओके सो स्टूडेंट स्टिल दैन टेक केयर be safe and healthy and revise your work okay students now bye bye take care have a nice day